दोस्तों जिस तरीके से सैमसंग 2019 के अंदर फोन लॉन्च कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ठान लिया है कि चाहे वो रेंज कोई भी हो, चाहे 10,000 से नीचे की हो, 20,000, 30,000 या फ्लैगशिप में भी अगर मैं चला जाऊं 50,000, 60,000, 70,000, तो हमारे फोन तो हर हाल में अवेलेबल होने चाहिए ताकि कस्टमर को जो भी ऑप्शन हो उसके अंदर सैमसंग का जो है ऑप्शन जरूर मिले मोबाइल के अंदर। मेरा मानना हालांकि पर्सनली ये है कि 50 फोन लॉन्च करने के बजाय अगर आप 5 ढंग के फोन लॉन्च करें तो शायद आप मार्केट को ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं। अब कैप्चर करने की बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि पिछले साल रेडमी ने जो है नंबर वन की पोजीशन सैमसंग से ले ली थी, तो ऐसे में सैमसंग को लगता है कि मैं एग्रेसिवली ज्यादा से ज्यादा मॉडल लॉन्च करूं जिससे कि मेरी वो नंबर वन की पोजीशन जो है मुझे वापस मिल जाए। मुझे पर्सनली लगता है कि अच्छे फोन लॉन्च करो, सही प्राइस टैग पे लॉन्च करो, क्योंकि अप्रैल के अंदर काफी सारे और भी फोन लॉन्च होंगे। जैसे Realme Pro की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें जो प्रोसेसर आएगा डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है वो 675, 710 या 712 भी हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। आज जो सैमसंग का गैलेक्सी A70 लॉन्च हुआ उसमें काफी सारी चीजें जो है सैमसंग ने बताई और काफी सारी चीजें छुपा भी ली, जैसे कि प्रोसेसर कौन सा होगा, प्राइस रेंज इसकी क्या होगी, इंडिया के अंदर एक्सिनोस का प्रोसेसर आएगा या स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आएगा, बॉडी कैसी होगी। सो दोस्तों ये चीजें एक ऐसी हो जाता है कि दिमाग के अंदर डेफिनेटली हर एक यूजर जो कि इतना पैसा खर्च कर रहा है, डेफिनेटली फोन 20,000 से तो ऊपर आने वाला है, क्योंकि A50 जो इन्होंने लॉन्च किया है वो 19,990 रुपए का और 6GB 64GB के साथ आता है। और इस मॉडल के अंदर इन्होंने 6GB रैम और 8GB रैम दो ऑप्शन दिए, हालांकि स्टोरेज का सिर्फ 128GB एक ऑप्शन दिया है जिसको आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है कि सैमसंग अपने ही एक मॉडल को किल करेगा उससे नीचे प्राइस पे या उस रेंज पे लाने पे। तो 19,990 का अगर A50 है तो डेफिनेटली ये प्राइस से ऊपर होने वाला है, और मेरा मानना ये है कि इसका प्राइस 20,000 से नीचे ही होना चाहिए। उसके पीछे क्यों मैं मतलब ऐसा बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेकवानी। नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे वीडियो मैं रेगुलर लेके आता रहता हूं अनबायस्ड ओपिनियन के साथ। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा। आज तक हमारे को 19:5:9 का जो मैक्सिमम एस्पेक्ट रेशियो मिला था उससे भी ये ऊपर चला गया है। तो 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि जो डिस्प्ले है वो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। A7 का जो जितना आपका बॉडी का साइज था ना, हालांकि उसके अंदर आपको 6 इंच का डिस्प्ले मिलता था, लेकिन A70 के अंदर बॉडी का जो एस्पेक्ट रेशियो वो सेम है, मतलब कि जो डायमेंशन है वो सेम है, लेकिन उसके अंदर आपको 6.7 इंच का मिल रहा है थैंक्स टू द यूवी नोच जो इन्होंने बनाई है। तो उसके अंदर आपको काफी अच्छा बॉडी टू स्क्रीन रेशियो मिल जाता है 85.9% का, जो कि लगभग 86% हो गया, तो बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। तो स्क्रीन साइज और सुपर एमोलेड डिस्प्ले की अगर बात करता हूं तो कमाल का आपको मिलेगा, लेकिन प्लास्टिक का बैक पैनल इसमें दिया गया है, और ये मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप 20,000 या उससे ऊपर की रेंज में अगर आप फोन दे रहे हैं तो ये नहीं बनता है। आपको डेफिनेटली एक अच्छा मेटल का या फिर आपको एटलीस्ट ग्लास का आपको अच्छा पैनल देना चाहिए था। गोरिल्ला ग्लास का इसके अंदर प्रोटेक्शन बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि गोरिल्ला ग्लास का कौन सा नंबर, मतलब 5 है या 6 है, कौन सा प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही इस चीज के बारे में भी नहीं बताया गया है कि जो वाटर रेजिस्टेंस है वो कितना है, IP68 है या कितना है, वो भी नहीं बताया गया है। बात करते हैं रैम के बारे में, तो दो इसके अंदर आपको मॉडल देखने को मिलेंगे, 6GB रैम और 8GB रैम का जो दो मॉडल इसके अंदर है। स्टोरेज का जो ऑप्शन है वो 128GB का स्टोरेज होगा जिसको आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं, तो 750 के करीब आपका जीबी आप बना सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि 128GB भी स्मार्टफोन के अंदर काफी अच्छा है। अब मेन बात आती है कैमरे की। पहली बार सैमसंग ने जो है फ्रंट के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है जिसका अपार्चर 2.0 है, तो ये काफी अच्छी बात है। 32 इंचेस का काफी ऊंचा जंप ले लिया है सैमसंग ने, लगता है सैमसंग ने सोचा है कि सेल्फी के अंदर भी हम काफी अच्छा कमाल करने वाले हैं। पीछे आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, जो 8 मेगापिक्सल है वो अल्ट्रा वाइड है, प्लस में 5 मेगापिक्सल जो कि आपका डेप्थ सेंसर का काम करेगा। और दोस्तों अल्ट्रा वाइड एंगल मैंने देखा कि बहुत अच्छे से काम आता है, मतलब काफी सारी जगह पे ऐसे जैसे पार्टी वगैरह के अंदर आप जाते हैं तो काफी ग्रुप में और काफी बड़ी आपको पिक्चर क्लिक करनी होती है, या फिर आप कहीं पे जाते हैं मॉन्यूमेंट वगैरह देखते हैं तो वहां पर भी आपको वाइड एंगल लेंस जो है वो काफी काम आता है। तो डेफिनेटली कैमरा तो मैं सैमसंग का बहुत अच्छा बोलूंगा, A50 का भी और A70 का डेफिनेटली उससे भी अच्छा ही होने वाला है। तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी अगर आपको मिल रहा है और ट्रिपल कैमरा आपको पीछे मिल रहा है, इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, तो डेफिनेटली वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक और अच्छी बात जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी वो है 4500 mAh की बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, साथ में 25W का आपको फास्ट चार्जर मिलेगा जिसको सैमसंग का सुपर फास्ट अडेप्टिव चार्जर जो बोलते हैं। इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो मिलने वाला है, लेकिन ये नहीं अभी तक मतलब क्लियर किया गया कि वो अल्ट्रासोनिक होगा या नॉर्मल वाला होगा।
होपफुली अल्ट्रासोनिक अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, देन इस फोन के बिकने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड्रॉइड के पाई के साथ ही लॉन्च होगा, साथ में इसमें मिलेगा सैमसंग का वन यूआई जो कि सैमसंग का खुद का इंटरफेस है और काफी इसकी तारीफ भी हो रही है। हालांकि तारीफ हो रही है वो जो प्रीमियम सेगमेंट के फोन है फ्लैगशिप में, नीचे वाले मॉडल में बोला जा रहा है कि यूआई इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। उम्मीद करता हूं इस बारी इस कमी को दूर किया जाएगा और डेफिनेटली इस मॉडल के अंदर जो है यूआई जो है काफी ऑप्टिमाइज होगा। अदरवाइज पिछले कुछ मॉडल में थोड़ी शिकायत आ रही थी कि यूआई जो है वो हाई एंड के मोबाइल्स के लिए तो काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है लेकिन लो एंड में या मिडिल में इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तीन कलर इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो ब्लू में मतलब कोरल आपको मिलने वाला है, ब्लैक आपको मिलने वाला है और व्हाइट कलर आपको मिलने वाला है। तो तीन कलर के ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि इसमें रेड कलर नहीं मिल रहा है क्योंकि रेड कलर मेरे को पर्सनली प्लास्टिक बैग के अंदर इतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा अजीब सा कलर लगता है प्लास्टिक बैग के अंदर। तो व्हाइट शायद अच्छा लगेगा, ब्लैक और ब्लू भी प्लास्टिक के अंदर ठीक ठाक लग जाएगा। और दोस्तों प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो है देखने को मिलने वाला है, ड्यूल कोर जिसके अंदर आपको 2 GHz का होगा और हेक्सा कोर जो है 1.7 GHz का होगा। अगर मैं अपनी तरफ से आइडिया लगाऊं कि कौन सा प्रोसेसर ये हो सकता है तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैच करती है स्नैपड्रैगन 675 को। सो अगर 675 को मैच कर रही है तो 13,999 रुपये के अंदर वो Redmi Note 7 Pro के अंदर अवेलेबल है। और अगर मैं बात करता हूँ तो Realme 3 जो अप्रैल के अंदर लॉन्च होगा उसके अंदर भी लगभग सेम सी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है, उसके अंदर 710 या 712 भी हो सकता है। तो ये बड़ी अजीब चीज़ हो जाएगी क्योंकि इस फोन का प्राइस जो प्राइस अभी सैमसंग ने नहीं बताया लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस जो 25,000 के आसपास होना चाहिए, उसके पीछे वैलिड रीजन है जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। तो 25,000 के आसपास अगर प्राइस होता है तो शायद ये सैमसंग इसको एक्जिनोस वाली सीरीज में उतारेगा क्योंकि उसे भी आइडिया है कि अगर मैंने स्नैपड्रैगन की सीरीज में उतार दिया तो जो प्राइस जो लोग कंपेयर करेंगे। हालांकि बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जो सैमसंग के फ़ोन के अंदर डेफिनेटली एज लेके जाती है, कैमरा की, बैटरी की, चार्जिंग की, ब्रांड की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सैमसंग को एज देती है लेकिन फिर भी एक बारी को यूज़र जो है कंपेयर कर लेता है प्रोसेसर को भी। तो हो सकता है कि एक्जिनोस की सीरीज़ के अंदर आए बट जो प्रोसेसर बताया उसकी स्पीड अभी मुझे इक्विवेलेंट लगती है 675 के। तो दैट इज़ अप टू यू गाइज, आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। बाकी अगर प्रोज की बात करें तो बहुत ही अच्छा स्क्रीन टू बॉडी एक्सपेक्टेशन के अंदर दिया गया है, कैमरा भी बहुत ही जानदार दिया गया है फोन के अंदर, बैटरी जो है 4,500 mAh की और सुपर एडेप्टिव चार्जिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तो फोन तो काफी अच्छा है, काफी जानदार है, शायद A70 जो है A50 का एक सक्सेसर और निकल के आए। मेरी तरफ से सैमसंग को बेस्ट ऑफ लक। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे कॉमेंट में बताइएगा और लाइक अगर कर देते हैं तो मुझे काफी हौसला मेरा बढ़ जाता है इस चीज का। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।